हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है मिस यूनिवर्स इंडिया, जिन्होंने हमें कहा जाए हमें नहीं पूरे देश को 140 करोड़ की जनता को प्राउड फील कराया है, और कहा जाए लाखों करोड़ों महिलाओं की कहा जाए इंस्पिरेशन बन चुकी है। सो प्लीज वेलकम एडलिन क्रिस्टिनो। थैंक यू सो मच उमेश, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। सो कैटलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसा कि पहले ही मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, और थैंक यू सो मच आपने हमें जो कहा जाए इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्राउड फील कराया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। लोगों से इतना प्यार और इतना अप्रिसिएशन मिला है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे बस अपने कंट्री को प्राउड करना था, स्पेशली अभी जब जो अपने हमारी कंट्री जिस दौर से गुजर रही है, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट। थैंक यू। कहा जाए जैसा कि 140 करोड़ जनता की बात हो रही, जब स्टेज पर थी क्या चल रहा था, कितनी नर्वस थी, क्या क्या कुछ फील कर रही थी उस पर? एक बूंद की भी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मैं एक हाँ मैं एक एम क्या बोलते हैं मैं एक सोच से गई थी उधर कि अपने कंट्री को प्राउड करना है, अपने कंट्री के जो स्ट्रेंथ है, जो रेजिलियंस है, लोगों में जो क्षमता है इस दौर से गुजरने का, उसको रिप्रेजेंट करना है। और सारे जो भी दूसरे देशों से लड़कियां आई थी, उनको बताना था कि अब हमारी कंट्री कितनी अमेजिंग है और कितनी स्ट्रांग है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से गुजर सक करके मतलब चैंपियन की तरफ बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ एटलीस्ट, कि आपको 10 साल की उम्र तक पता नहीं था मिस यूनिवर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, ऐसे प्रेजेंट क्या होते हैं, उसके बाद आज मिस यूनिवर्स इंडिया बनकर क्या कुछ फील कर रही है और पूरी जर्नी किस तरह देखती हैं आप? बहुत मतलब सपने जैसा लगता है, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी, जैसे आपने इतने अच्छे से रिसर्च किया है कि मुझे पता भी नहीं था कि मिस यूनिवर्स होता क्या है। मेरी क्लासमेट मेरे पास आई थी और बोली थी कि यू आर माय मिस यूनिवर्स, और मैं सोची कि ये क्या बोल रही है, व्हाट इज दिस मिस यूनिवर्स। तो तभी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आ पाऊंगी, क्योंकि जो लड़कियां होती है, छोटी लड़कियां होती है, वो हमेशा अपने आप पे डाउट करती है कि क्या मैं कर पाऊंगी नहीं। और मुझे ना लिस्प था, मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी और बहुत सारी चीजों को। तो जब जब मैं बॉम्बे आई थी और मैंने मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे पुश किया कि तू कर पाएगी, प्लीज गो फॉर द कॉम्पिटिशन, तो उस टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अपने आप को एक्सेप्ट करने की और एक रोल मॉडल बनने की अपने अपने आप के लिए और लोगों के लिए। बिल्कुल। अगर स्ट्रगल की बात हो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, और जितना हमें आपके बारे में पता है, आपने काफी स्ट्रगल किया है और आपकी जर्नी अभी काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है आपने किस तरह स्ट्रगल किया है। और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो किसी भी इंसान के लिए काफी इम्पैक्टफुल होती है, वो छोटी छोटी चीजें कई बार पिंच कर जाती है, तो अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने बोला सबकी स्ट्रगल्स होती है, तो जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी, बहुत ही कम उम्र में आई थी, तो किसी का सपोर्ट नहीं हो था उस टाइम पे, और मतलब घर ढूंढना अपने आप के लिए और सच में अपने आप को एस्टेब्लिश करना बहुत ही डिफिकल्ट था। बट आई एम लकी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छी मुझे गाइडेंस दी आगे जाने के लिए। मुझे ये भी याद है, एक दिन ऐसा था कि मेरे पास घर नहीं था, मैं 16 साल की थी, और बिकॉज आई डिडंट हैव अ होम, मैंने एक रात अपने सूटकेस को लेके मरीन ड्राइव पे गुजारा था, क्योंकि आई डिडंट हैव अ हाउस टू गो टू। सो आई रिमेम्बर दैट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दैट गर्ल दैट आई वॉज टू टूडे हैविंग एवरीबडीज अप्रिसिएशन, बहुत प्यार और बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट मिलना लोगों से अभी in Bombay, knowing so many people in Bombay, I think I've come really far. All बिल्कुल, thanks बिल्कुल, to आप बिल्कुल आप डिजर्व भी करती हैं, और साथ ही साथ हम आज की सोसाइटी पर भी बात करेंगे। कहा जाए काफी डेवलप माइंडसेट के साथ भले ही जी रहे, लेकिन ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स को लेकर एक फैमिली की एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि इमोशनल ड्रामा होता है और कई सारी चीजें होती हैं। जी, तो उस पर क्या थॉट है आपका, कभी आपको भी इन सारी चीजों से स्ट्रगल करना पड़ा? आई थिंक सारी जो इंडियन लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वो मत करो, तो थोड़े हद तक मेरे भी पेरेंट्स ऐसे थे, बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि पहले तो मैं अकेली थी इधर बॉम्बे में, तो वो लोग उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूंगी तो करूंगी कैसे।
और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। आज मैंने बोला मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। और मेरे पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव थे, तो उनको जब मैंने बोला कि बिकिनी सेक्शन होगा और ऐसा गाउन सेक्शन होगा, तो वो लोग बहुत घबरा गए, ये क्या है, ये क्या करोगी। तो आई थिंक फिर उनको बहुत समझाने के बाद, उनको बहुत मिस यूनिवर्स के वीडियोस दिखाने के बाद वो समझ गए, थोड़ा सा सपोर्टिव हो गए। और मेरे पापा को तो पता भी नहीं था जब मैं नेशनल कॉम्पिटिशन में थी कि मैं नेशनल्स के लिए जा रही हूँ। उनको पता चला 2 दिन पहले कि मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में हूँ और मैं जा रही हूँ। फिर मैंने जीता वो कॉम्पिटिशन, तो वो ही वॉज ओके विद। ओके अच्छा, रोल मॉडल की बात होती है, आप जैसा कि मैंने जिक्र किया करोड़ों की रोल मॉडल बन गई हैं आपकी जर्नी से, तो आपका कौन रोल मॉडल रहा है कि आपने कभी सोचा कि यार मुझे इनका हिस्सा बनना है, या इनकी जो क्वालिटीज है मुझे खुद में लानी, कोई ऐसा रहा है? आई थिंक मैं सब में ना अच्छाई ढूंढती हूँ, सो लाइक आई हैव सो मेनी रोल मॉडल्स। लारा एंड सुष्मिता हैव बीन माय रोल मॉडल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स नाउ। बट इंदिरा गांधी वॉज माई बिगेस्ट रोल मॉडल, क्योंकि उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थी जहाँ पे यू नो औरतों को वोट करने का राइट भी नहीं था बहुत सारी कंट्रीज में, और वो राइट टू वोट नहीं था। और आई फील प्रिंसेस डायना ऑल्सो इंस्पायर्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज। आई फाइंड हर वेरी, शी वॉज अ वेरी काइंड एंड काइंड हार्टेड पर्सन, एंड आई फील दैट दीज वुमेन हैव रियली गिवन मी द क्वालिटीज दैट आई हैव। बिल्कुल, साथ ही जब भी ऐसे कोई ब्यूटी पेजेंट होते हैं उनके थॉट्स को लेकर, ब्यूटी मीन जो थॉट है, जो उनका बिहेवियर है, काफी चीजों को देखा जाता है, आका जाता है, तो क्या करना चाहेंगे आप सोसाइटी के लिए, क्या कुछ थॉट है आपके? तो मैं, आई हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग फॉर फार्मर्स, दैट इज माय मेन कॉज फॉर द लॉन्गेस्ट, क्योंकि मैं एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फार्मर्स है, मेरी ग्रैंड मदर फार्मर है, so I have always been in that space. I would want to go ahead and take it forward working in that, working for women's health. These two issues are very close to my heart right now. I think it's very important, no matter where we are from or what we do as our professions, to actually get into the society and help in the smallest way that we can. I am lucky I have this platform so I can reach to more people, help them get the necessities, especially during this COVID time. बिल्कुल, साथ ही जब ऐसे कोई कंटेस्टेंट कहा जाए, कंटेस्टेंट जीत कर आते हैं तो उनकी एक उम्मीद होती है कि बॉलीवुड में काम करना है, मुझे बॉलीवुड की इस ग्लैमर लाइफ में अपना करियर बनाना, क्या थॉट है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो तो करना है मुझे, बट आई एम सेइंग कि पेजेंट के पहले भी मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी एज अ मॉडल, एज समवन इन कमर्शियल, सो ये बहुत नेचुरली आता है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पेजेंट्स, it's a normal thing, but I would also want to explore other things using this platform. It's a once in a lifetime chance, so I'm somebody who's interested in starting my own business, you know, and working with UNICEF. These are the things that I would want to do with this platform. अगर बॉलीवुड में मौका मिला तो किस एक्टर के साथ आप डेब्यू करना चाहेंगे, या जिस एक्टर के साथ काम करने की कोई विश है, इच्छा है? सारे एक्टर्स के साथ, सबसे मतलब आई थिंक इट्स नॉट अबाउट एक्टर, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, इट्स अबाउट द रोल, सो आई वुड वांट टू डू समथिंग विद एनीवन हु हैज अ वेरी डिफरेंट रोल एंड अ वेरी, आई बिलीव इन इंक्लूसिविटी, एंड मुझे लगता है कि जो हमारी मूवीज है ना वो हमारी लाइफ को बहुत ही प्रेरित करती है, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट्स यू नो वेरी पावरफुल एंड मोटिवेशनल एंड टॉक्स अबाउट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी नोबडी टॉक्स अबाउट, लाइक द LGBTQ कम्युनिटी. Like a lot of backward, people call that backward tribes, but I feel that a lot of communities in India that people don't talk about, the Northeast, that we have such a magnificent Northeast part of our country that nobody talks about. So I would want to do such kind of things. बिल्कुल, थोड़ी समय की कमी है तो इस बार थोड़ी कम बात हो पा रही है. So finally, क्या कुछ कहेंगी इस देश की जनता को, आपके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे finally अपने viewers से? मैं बस ये जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि इवन इतने परेशानी से गुजरने के बाद भी लोग मुझे पता है कि बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि यू आर माय इंस्पिरेशन, आई एम गोइंग थ्रू कोविड, आई जस्ट लॉस्ट माय मदर टू कोविड, और फिर भी मतलब वो बहुत ही प्यार और सम्मान दे रहे हैं मुझे, सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट
throughout my life and I'll keep working so I can make them proud. And मैंने ये observe किया कि जब मैं वहां थी, जब मैं pageant में थी, कि लोग बहुत कुछ सह रहे थे उस time पे, मतलब loss ये सब. और कभी कभी ये जो youth है वो क्या बोलते हैं, they were feeling a sense of hopelessness कि हमारे future में रखा क्या है अभी. So I would just want to tell them कि to have strength at this moment. Maybe you cannot see what lies in the future, but to be really united, and it's okay to have patience at this moment. Let this moment pass and everything will come back to normalcy. So yeah. बिल्कुल, थैंक यू सो मच एडलिन, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहेंगी अपनी कहानियों से, और आगे आने वाले दिनों में हम ये भी उम्मीद करते हैं आप हमें फिल्मों के जरिए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटरटेन भी करेंगे. थैंक यू सो मच हमसे बात करें. थैंक यू सो मच उमेश, यू आर सच अ डार्लिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें. चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.